हे hey दोस्तों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रोजाना की तरह आज भी आपके लिए नया वीडियो ला चुका हूँ। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक और स्पाइडरमैन का सेटअप लाया है, जो कि हम Xiaomi का थीम्स का इस्तेमाल करके करेंगे। अगर आपको ये सेटअप करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं सारा स्टेप बताऊँगा कौन सा थीम आपको डाउनलोड करना है और कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट न्यू वीडियोस। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में आ चुके हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आपको थीम डाउनलोड करना होगा स्पाइडरमैन का सेटअप करने के लिए। मैं आपको बता दूँ, आपको सिर्फ दो ही थीम डाउनलोड करना होगा, जो कि पहले थीम्स का नाम आप देख सकते हो, उसका नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। आपको इस थीम को डाउनलोड कर लेना होगा, जो कि थीम स्टोर में मिल जाएगा। आपको उसको फुल्ली अप्लाई कर देना होगा सिर्फ आइकन पैक को छोड़ के। आइकन पैक के लिए आपको दूसरा थीम डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है एलिफेंट आई। ये भी थीम स्टोर पे मिल जाएगा, जिसको जाके डाउनलोड करके इसको सिर्फ आइकन पैक पे अप्लाई कर दीजिएगा। ये दो थीम लगाने के बाद चलिए अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, हम मोबाइल के होम स्क्रीन में आ चुके हैं, जो कि देख सकते हो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छा थीम है। आपको बता दें, अगर आपको वॉलपेपर को चेंज करना है तो लेफ्ट में आपको एक बटन मिलता है, आप उस पर क्लिक करते जाओगे तो अपना आप ही वॉलपेपर चेंज होता रहेगा, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कौन कौन से वॉलपेपर आपको देखने को मिलेंगे स्पाइडरमैन के, जो कि आप देख सकते हो। जो वॉलपेपर अच्छा लगेगा आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको बता दें, जो गूगल का विजिट होगा उसको अपने होम स्क्रीन से हटा देना होगा। देख सकते हो, हमने हटा दिया हूँ। हटाने के बाद जो आपका क्लॉक विजिट होगा उसको आपको नीचे ला देना होगा। इसके बाद चलिए मैं आपको वॉलपेपर दिखाता हूँ, जो कि आपको अपने होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन में लगाना है। आप चाहे तो लॉक स्क्रीन में वॉलपेपर लगाओ या ना लगाओ। आप देख सकते हो, हमारा होम स्क्रीन का स्पाइडरमैन का वॉलपेपर है। आपको सिंपल सा इसको अपने होम स्क्रीन में अप्लाई कर देना होगा। देख सकते हो, मैं चलिए प्रीव्यू करके इसको सिंपल सा अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद चलिए मैं आपको लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर दिखाता हूँ, जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर पसंद आता है तो आप लगाने दे सकते हो, या आप इस वॉलपेपर को यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस वॉलपेपर यूज़ करोगे तो आपको डिफ़ॉल्ट पर सेट करना होगा आपका लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर। सिंपल सा देख सकते हो, मैंने डिफ़ॉल्ट पर सेट कर दिया हूँ थीम, उसके बाद आपको वॉलपेपर लगा दिया हूँ। लगाने के बाद देख सकते हो कुछ ऐसे हो जाएगा आपका होम स्क्रीन। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन होंगे उसको एडजस्ट करना होगा, जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हो अपने होम स्क्रीन पर कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेना होगा। इतना करना है, उसका जो आपका दूसरा पेज होगा उसमें जाके भी आपको एप्लीकेशन को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसका देख सकते हो दोस्तों, हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, जो कि इसके आइकन पैक होम स्क्रीन देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था। ये आप देख सकते हो, इसका नोटिफिकेशन पैनल में भी आपको स्पाइडरमैन का ऊपर वॉलपेपर मिल जाता है, और इसका कंट्रोल पैनल भी देख सकते हो। मुझे इसका कंट्रोल पैनल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कंट्रोल पैनल हमेशा हमें डार्क थीम में देखने को मिलता है। आपको बता दें, डार्क थीम नहीं है, लाइट थीम है, जो कि आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा, जो कि बड़े आसानी से जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। चलिए मैं आपको इसका लॉक स्क्रीन दिखाता हूँ, जो कि हमने वॉलपेपर लगाया था, जो कि आप देख सकते हो। अगर आपको ये वॉलपेपर नहीं लगाना था, जो डिफ़ॉल्ट का वॉलपेपर है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, जो कि स्पाइडरमैन का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपको लॉक स्क्रीन में वॉलपेपर मिलेगा जब आप थीम को यूज़ करोगे, जो कि आप देख सकते हो। ये आपको वॉलपेपर मिलेगा, जो कि आप लॉक स्क्रीन में डिफ़ॉल्ट थीम में मिल जाएगा, जिसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने सेटअप में। दोस्तों, अगर आपको ये सेटअप पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग सेटअप की वीडियो और MIUI के थीम्स की वीडियो लाते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आपको बता दें, हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर अपडेट मिलते रहते हैं।